अगर आरक्षण अधिकार ले लिए होते, एसटी आरक्षण की बात किए होते, अगर आरक्षण मिल जाता तो समाज के हजारों और लाखों युवा इंजीनियर डॉक्टर आईएएस और पीसीएस क्वालिफाई करके हमारे समाज का विकास हो जाता। कभी कभी बातों में कहता मैं गब्बर हूँ, अरे गब्बर का क्या रोल था सोलह पिक्चर में? बेलापुर वाले लोग जो पुराने साथी है जो सोलह पिक्चर देखे हैं, घोसी लोकसभा हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है और एक तरफ राजीव राय। अगर देखा जाए तो यहाँ चुनावी सरगर्मी जो है इतनी तेज है कि चुनावी इस मैदान में तमाम पार्टी के लोग दावे पे दावे कर रहे हैं, वहीं जनता का तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे साथ है जागो राजभर, जागो के सचिव महेंद्र राजभर। आज घोसी में इनका आना हुआ, क्या कारण और किस मकसद से आए, इनसे ही बात करते हैं। पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कदम इसलिए रखा है कि समाज को सभी सदनों में चले गए नेता हमारे राजभर समाज से, बस एक सदन क्या कहा जाए, एक सिस्टम जो सरकार चलाने की प्रक्रिया, जो कार्यपालिका कहा जाए, सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में हमारे राजभर समाज का एक भी आईएएस नहीं है। हम उस आईएएस की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम राज्यसभा लोकसभा विधानसभा विधान परिषद में भेजने के लिए बस नहीं आए। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि एसटी आरक्षण पे जो बात करेगा राजभर समाज पे राज करेगा, वरना जो गुमराह करने की बात करेगा राजभर समाज उसका बहिष्कार करेगा। चुनाव में आपका मकसद क्या है? चुनाव दरमियान राजभर को सांसद न बनने देना या फिर क्या मकसद? देखिए, सांसद बनना न बनना वो उनका मामला है। अच्छा, उनके बनने से बहुत करेंगे, उनके चार छह लोग मजबूत हो जाएंगे। हम जो लड़ाई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी अधिकार का या किसी मुद्दे का, किसी अधिकार या किसी मुद्दे की बात चर्चा तब होती है जब चुनाव आता है। जबकि हम लड़ाई, आज आपको मालूम होगा कि 17 जून 2020 से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। जब राजनीति जैसे 2000 हम लोगों ने 2025 वो आपने देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव देखा, 22 का चुनाव देखा, हम लोगों ने नगर निगम का देखा, हम लोगों ने फिर 24 का देखा, और हम भाजपा को 2014 में वोट दिए, 2017 में दिए, 2019 में दिए, 2024 में देने वाले हैं, 2022 में। अब कितनी बार उनको दिया जाए? और बताइए कि वही कहा गया कि कोर्ट का भी ऊपर से कोर्ट का प्रकार, डबल इंजन की सरकार, फिर भी नहीं मिला राजभरों का अधिकार। तो राजभर अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोग कहते हैं कि महेंद्र राजभर एजेंट है। अरे मैं तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई के हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर अगर अपने लिए लड़ता तो एक टिकट मांगता, एक विधानसभा लड़ता, एक जिला पंचायत लड़ता, एक पार्षद लड़ता, और नहीं। आज तुम कह रहे हो कि ये आए हैं अरविंद राजभर को और फलाने राजभर को हराने। मैं किसी को हराने जिताने नहीं आया हूँ। मैं आया था, मैं लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में भी आया था। तो हमारी मांगे जो थी, हमारी मांगे एसटी आरक्षण की थी। हमने नोटा का अपील किया। अपील नोटा का करने का कारण यह था कि मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में तीन राज्य में समर्थ जातियों ने नोटा का प्रयोग किया और 48 घंटे में उनको ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण मिल गया। तो हम लोगों ने अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपने हक अधिकार की सरकार तक बातें पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और विपक्ष को हमारी जरूरत नहीं है। जब दोनों को जरूरत नहीं तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें दोनों मंजूर नहीं है, हम नोटा का प्रयोग करेंगे। नोटा दबाइए, हक अधिकार में भागीदारी बनिए। हम ये नहीं करते, हम अपना आकलन मूल्यांकन करने के हम कितना अधिक से अधिक नोटा दबवा लेंगे, क्योंकि नोटा ये प्रतीक है, ये चुनाव आयोग ने दिया है। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि वोट मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं ना कि आप नोटा दबाइए अधिक से अधिक, जो मत का प्रतिशत है वो बढ़े, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हमको अधिकार नहीं मिला इसलिए हम लोगों ने नोटा दबाया। एक चीज और यहाँ हो सकती है, अगर आप लोग चाहते तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अगर राजभर सांसद बन जाए तो आपको इस लड़ाई में कहीं मजबूती भी सामने कायम हो जाती, कहीं नहीं लग रहा है? हमारे साथ जो मजबूती के साथ खड़ा था वो तो रिटायर हो गया अगला, जो हम वो धन्य है कि ऐसे राजभर समाज में मसीहा पैदा हुआ और हम जीवन में जब तक जियेंगे माननीय सकल दीप राजभर जी को पूजनीय मानते हुए राजभर समाज हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि वो हर आंदोलन में हर लड़ाई में तन मन धन के साथ हम लोगों के साथ रहे। आप कह रहे हैं किस मुंह से ये हमसे वोट मांग रहा है बीजेपी या एनडीए गठबंधन, किस मुंह से मांग रहा है? आज एक साल से हो गया, एक साल से हमारा प्रस्ताव नहीं भेजवा पाए और कह रहे हो कि हमको जिताओ, सदन में जाके बहस करेगा, चिल्लाएगा, बहस में मुद्दा उठाएगा, वकालत करेगा, शेर का बच्चा है धारेगा। शेर का बच्चा नहीं है, शेर तो जानवर होता है, मर्द का बच्चा कहना चाहिए। हमको आज पता चला कि अरविंद राजभर जानवर का बच्चा है। अगर पता रहता कि जानवर का बच्चा है तो हम इसका बात ही हम लोग नहीं करते, क्योंकि मर्द का बच्चा होता है धारने के लिए। दूसरी बात, जब बाप को सीधे एसटी आरक्षण पे जानकारी नहीं है तो बेटा कहां से अध्ययन करेगा? जब बाप जाके कह रहा है सदन में कि 13 जिला का सर्वे करा लिया, 12 जिला का और कराएंगे, जबकि ट्राइबल उत्तर प्रदेश में 17 जिला में पाए जाते हैं, तो 25 जिला इसके घर का बाप का बपौती है क्या?
ये अलग से सर्वे करवाएगा, अलग से करवा रहा है। और दूसरी बात कहा, यही हिंदी भवन में इन्होंने कहा था आप यहाँ से दो सांसद भेजिए सदन में जाकर के बहस करके आरजीआई भेजवाएंगे। जब आपको पता नहीं कि एसटी की प्रक्रिया क्या होती है, आप जैसे आप उल्टा सीधा बक्के उसी तरह आपका बेटा भी बक्केगा। क्योंकि जबकि हमारा अनुभाग तीन से आरजीआई के पास जाएगा, आरजीआई से हमारा सदन में आएगा, जब आपको जानकारी नहीं है आप बकवा बकवा करते हो। बाप बेटे वही हो, एक जगरदेवा है, एक मंगरुआ कहा जाता है और एक झगड़ुआ कहा जाता है, ये तीनों इसी में चलते हैं। इनकी राजनीति जो है, इनकी राजनीति अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए है। राजभर समाज जिस दिन मजबूत हो जाएगा, ये जाएंगे वोट मांगने, समाज सवाल करेगा, उस सवाल से डरने के लिए ये देख लीजिएगा चुनाव बाद, चुनाव हारे या जीते इसके बाद कहेंगे, अगर कहेंगे कि प्रस्ताव तो कहेंगे ये सब जुमला है। क्योंकि ये मोदी के राहों पे चलते हैं, इनका सीधा सीधा जिस राह पे मोदी चलते हैं ये वही ओम प्रकाश जी है ना, क्या नाम है, योगी जी को कहे थे मंदिर में घंटा बजवाएंगे, अमित शाह जी को और मोदी जी को कहते वहां पे अगर नहीं बजवाए तो असल माँ बाप के बेटे नहीं। अगर असल माँ बाप के बेटे, उसी का परिणाम है कि आज माँ हिस्ट पुष्ट थी, चली गई, वो जो पाप किए हैं, जो बोले झूठ बोले, वो झूठ का नतीजा है। जबकि वो माँ एकदम, हम लोग देखे थे, हम लोग तो गए थे, हिस्ट पुष्ट थी, मरने का कोई सवाल नहीं था। तो झूठ बोलने का परिणाम देखिए, प्रकृति किसी के साथ यही सजा देती है, जो कहते हैं स्वर्ग और नर्क, इस धरती पे मरने वाला कहीं वापस आया नहीं है, जिंदे जी कोई जाता नहीं, तो स्वर्ग नर्क है नहीं, सब यही पे। अच्छा, कारण क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर चर्चा में रहते हैं, महेंद्र राजभर आरक्षण के लिए चिल्लाते तो है लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ही बढ़ती दी जाती है। देखिए ये कहा गया है ना कि जैसे होता है कि चमत्कारी को नमस्कारी। अच्छा, ओम प्रकाश जी मंत्री हैं, विधायक हैं, अब यहाँ आएंगे आपके कंधे पर हाथ ठोक देंगे तो पत्रकार बंधु गदगद हो जाएंगे कि चलिए हमारा मंत्री जी से डायरेक्ट टैली है। तो यहाँ वो स्थिति है, महेंद्र राजभर एक गरीब का बेटा है, जमीन पे चल रहा है, बस से चलता है, ऑटो चलते है, तो इनके पास संसाधन है, मेरे पास संसाधन नहीं, जिस कारण राजभर समाज जागने में थोड़ा असक्षम है। जिस दिन संसाधन हो गया, मैं राजभरों को जैसे कहा जाता है ना कि जब बच्चा होता है एलकेजी यूकेजी एक में तब जाता है, हम उसको जिस दिन पढ़ाना चालू कर दिए, समाज के अशिक्षित लोगों को भी इस अधिकार के बारे में जिस दिन बता दिए, जिस दिन वो अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे उसी दिन राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर का, अनिल राजभर जैसे गद्दार मक्कार धूर्त बहरूतिया बेशर्म नेताओं का बहिष्कार करेगा। ओम प्रकाश राजभर भी तो बताते हैं, मंचों से साझा भी करते हैं कि ये पीला जो झंडा है या गमछा है ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का है, प्रतीक है, और राजभर का इतिहास भी बताते हैं कि क्या इतिहास है। इतिहास उनको बताने की जरूरत नहीं है, पहले तो कह दीजिए वो सब जाके पढ़ ले। इतिहास किसी को बताने की जरूरत, जितने राजभर समाज पढ़े हैं, जो भी बेल क्वालिफाई है, चाहे ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अपने इतिहास के बारे में जानता है। और जिस समाज का आईएएस पीसीएस पैदा हो जाए, जिस समाज का लोग सिस्टम में पहुंच जाए, उस समाज के इतिहास की जरूरत नहीं होती। इतिहास उसका खोजा जाता है जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जो जानकारी नहीं होती है। आज जानते हो प्रकाश, 2017 के पहले कोई नहीं जानता था, पीला गमछा लेके घूमते थे। 2017 में आप जैसे भाई बंधु आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, उनको सुपर से डुपर बनाई, उसी का नतीजा है आज कहते हमने जगाया। वो नहीं जगाए उनको, वो राजभरों को कहे कि सो तुम लोग यार दूसरे को वोट देते थे ना, अब जागो हमको वोट दो, तो वो जगा के वोट ले लिया, सदन में पहुंच गए। अच्छा, लोकसभा घोसी में उपस्थित है और घोसी में चुनाव का पूरा बिगुल बज चुका है और चुनाव में लोग चर्चा में भी है, अब चुनावी सफर में आप जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं या फिर जनता को संदेश दे रहे हैं? अगर समाज को अधिकार देना, अधिकार की बात करना गुमराह है तो ये बात और लोग भी करें। क्योंकि आप जो राजभर समाज की बात करते हैं, राजभर ही समाज के नेता कहते हैं कि ये जागो राजभर जागो जो है हमेशा हम लोग के बीच में अटकले खड़ा कर देते हैं। देखिए अटकले खड़ा होता क्या है ना, जो गलत रहता है वो हमेशा मुंह छुपा कर रहता है। अगर यही तो कह रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ, आप इसी गोची विधानसभा लोकसभा में चुनाव हो रहा है, गोची लोकसभा में आप कहीं पे इन लोगों को, चारों लोगों को बुलाइएगा, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर, और सिंगल महेंद्र राजभर वहां रहेगा। इनकी अगर हर बातों का जवाब नहीं दिया तो असल महेंद्र राजभर नहीं, अगर ये मेरे बातों का जवाब दे दे मैं इनकी गुलामी करूंगा। अब तक आपके साथ राजभर समाज के नेता कितने लोग साथ आए और फिर मुंह मोड़ कर चले गए? देखिए मेरे साथ कोई नेता, जितने नेता आए वो कोई मुंह नहीं मोड़ा है। अच्छा, मेरे साथ आप सकलदेव जी की बात बताएं, सांसद जी अब रिटायर हो गए हैं तो अब उनकी वो स्थिति नहीं है, उम्र भी जो बाबू जी हैं, एमएलसी साहब हैं, एमएलसी साहब लखनऊ की जो प्रक्रिया वहां जाते हैं मेरा मदद करते हैं, राम सूरज जी, और राम अचल जी बाबू जी हमको बुला के बोले कि आओ बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं, उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। और कमलाकांत जी कहे कि महेंद्र भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कहे आप सदन में बस जागो का नाम रखिए कि लड़ाई लड़ी, उन्होंने उठाया। और ये इनका बेटा, जबकि उसके पहले सदन चलने के पहले यही कहे थे कि सदन में चलने वाला है, सदन देखे इनका आवाज कौन उठाता है, या मेरा आवाज तो मेरा आवाज नहीं था, वो समाज का आवाज था, समाज का आवाज तो रामचल कमलाकांत ने उठाया। और आप राजभर को आरक्षण अभी मिला नहीं, तुमने चले थे बंजारा को एसटी आरक्षण में शामिल कराने। ये मूर्ख बनाने वाले, ये बनने वाले समाज को हम धन्य है, इस समाज के लोगों को, कि कब ज्ञान आएगा, कब अधिकार की बात समझेंगे, कब
अपने अधिकार को लेंगे, हम उसके लिए आए हैं। हमको मंत्री विधायक सांसद नहीं बनना है, अगर बनना होता तो मैं चंदौली में लड़ता, मैं बगल में हमारा जौनपुर है, बगल में भदोही है, मैं यहाँ आता, यहाँ यहाँ आने का क्या जरूरत है, यहाँ हम घोसी लड़ने आएंगे, यहाँ राजभवन नहीं है। मैं ओम प्रकाश अनिल राजभवन नहीं हूँ, दूर का ढोल सुहावन। ओम प्रकाश अनिल राजभवन चंदौली से बनारस जाके उल्लू बना रहे हैं। तो ये देखिए, एक मुगल सराय चाही है, एक बनारसी ठग है, ये दोनों समाज को ठगने और चाही बना जेबा काटने का काम किया है। समाज यहाँ का समझ नहीं पा रहा है कि राजभर समाज को अधिकार दिला दे, मुझे नेता मंत्री विधायक की कोई जरूरत नहीं है। और नेता मंत्री विधायक से 10 लोग का भला होगा, 10 विधायक होगा, और हम अधिकार की बात करते हैं, मुझे पूरे समाज का विकास होगा। सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में IAS IPS DSP DSP बाबू दरोगा चपरासी सिपाही सभी लोग अवेलेबल हो गए, सभी लोग पैदा होंगे, हम उसके लिए लाएंगे। अभी इसी बीच में उपस्थित है उन लोग से भी थोड़ा सा हम चाहेंगे 2 शब्द, क्योंकि ये भी एक चर्चित चेहरा है, थोड़ा सा पैसे बता दीजिए। मैं ब्रिजेश राजभर बनारस से आया हूँ। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अच्छा तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, अच्छा अगर पल भर के लिए मैं बेजमीर होता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर होता, मैं कब का अमीर होता। ये ओम प्रकाश राजभर की कहानी है, अच्छा। ये कभी भाषणों में ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते थे, ये दोहा अभी हमको याद आ गया। ओम प्रकाश राजभर समाज के ऐसे ठग हैं, कुछ लोग तो मसीहा बताते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक राजनीतिक दुकान खोले हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं इनके चपरासी और नौकर हैं। अगर वो अपने को नेता मानते हैं तो गलत फहमी का शिकार है, नहीं तो इस बात पे कभी भी ब्रिजेश राजभर से बनारस में हमारा नंबर है, डिबेट कर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर का अगर गठबंधन किसी बड़े दल से हो जाएगा तो वो और उनका बेटा लड़ेगा, और बाकी की सीटें जो बचेंगी उसके सौदेबाजी होगी, उस पर बोली बोली जाएगी और नीलामी होगी। और नहीं तो मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में थे, 8 सीटों पर समझौता हुआ, बापू चुनाव लड़े और अपने स्वयं जहूराबाद से लड़े, जीत के अपने बेटे को वही 62 में लड़ाए और चुनाव बुरी तरह से चुनाव हारे, और दूसरा चुनाव ले जाकर के शिवपुर में, अगर ये राजभर के हितैषी होते तो लाख गुना है अनिल राजभर। अगर आप समाज के हितैषी थे तो अनिल राजभर वहां से विधायक होता, तो अगर कहीं से आपका बेटा अगर दूसरे सीट से लड़ा दिया होते तो 2 विधायक होते। तो ये समाज का हितैषी नहीं है, उसको हराने के लिए अपना वर्चस्व बनाने के लिए शिवपुर में जाकर के लड़ा दिया, वहां भी मटिया लेट किया अपने लड़के का, या अपने लड़के का खुद MP MLA नहीं बनने देना चाहता। और ये इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा बेईमान है कि मैं घोसी की जनता आपके चैनल से समाज के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ कहने के लिए आए हम लोग, ये जागो राजभर जागो की टीम, कि आरक्षण और अधिकार के नाम पे इन लोगों ने दल बनाया, आरक्षण के नाम पे इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बना करके समाज को ठगने और लूटने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इनको सांसद क्यों नहीं बनने देना चाहते हो, जागो राजभर जागो की टीम विरोध करती है, राजभर समाज के कुछ लोग विरोध करते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे समाज के लोगों, अगर सांसद बनेगा तो ओम प्रकाश का राजभर का बेटा बनेगा, मंत्री बनेगा तो ओम प्रकाश राजभर बनेगा। और ये पहली बार ये मंत्री नहीं बने हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, पहली बार भी बने थे तो इन्होंने दावा किया था कि ऐसे समाज के लोगों आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी भाजपा ने नहीं दिया, मैं मंत्रालय को लात मार के समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं समाज के साथ दिया। तो आज भाजपा ने क्या दे दिया आपको, क्यों गए भाजपा के साथ? अगर आरक्षण अधिकार ले लिए होते, जैसी आरक्षण की बात किए होते, तो तुम्हारा बेटा तो एक सांसद बनेगा, लेकिन अगर आरक्षण मिल जाता तो समाज के हजारों और लाखों युवा इंजीनियर डॉक्टर IAS और PCS क्वालिफाई करके हमारे समाज का विकास हो जाता, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारी लड़ाई है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर केवल अपनी दुकान चलाना चाहता है, इससे आगाह होने के लिए आए समाज के लोगों, अगर वास्तव में आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी चाहते हो तो ओम प्रकाश राजभर को यहाँ घोसी से खदेड़ करके बनारस भेजने का काम करो, इसको बुरी तरह हरा करके इसकी जमानत जब्त कर दो, नहीं आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये केवल अपने लाभ नहीं, तो हम लोगों ने सदन में भेज करके देख लिया कि ये विधानसभा में गया, और विधानसभा में जब इसको कीमती समय मिला, जहां आरक्षण अधिकार की बात करनी थी, वहां ओम प्रकाश राजभर एक दूसरे राजभर नेता अनिल राजभर जो नेता मंत्री है उसको नकली और अपने को असली बता रहा था। याद है आप लोगों को कि ये नेता कहा कि तुम नकली हो, मैं असली हूँ, और इसको बता रहा था कि तुम नकली, मैं असली हूँ। ये दोनों नेता समाज को 2 भागों में बांट करके ओम प्रकाशवादी और अनिलवादी बना दिए, और अपने लाभ के चक्कर में रात के अंधेरे में मिल करके अपने लाभ का बात करते हैं और अपने हिस्सेदारी का काम करते हैं। तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और ये इनको मसीहा, ये कभी कभी बातों में कहता है मैं गब्बर हूँ। अरे गब्बर का क्या रोल था? 16 पिक्चर में
नैनापुर वाले लोग जो पुराने साथी हैं, जो सोने पिक्चर देखे हैं, वो विलन था, गद्दार था, बेईमान था, चोर था, डकैत था, वो महिलाओं का शोषण करने वाला गब्बर था। और उस गब्बर को सोने पिक्चर में लास्ट में बेलापुर गांव वाले लोगों ने मिल करके पत्थर से मार मार के उसको खत्म कर देते हैं। वही गब्बर ये होशी को ठगने के लिए आया है। आए समाज के लोगों, अगर वास्तव में समाज का हिस्सेदारी आरक्षण अधिकार चाहते हो, संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हो, आज भारतीय जनता पार्टी बड़े राक्षस की तरह पूरे देश को लूटने और ठगने जा रही है। अगर समाज की वास्तव में आप लोग हिस्सा है और आरक्षण अधिकार और वास्तव में जीना चाहते हो, विकास चाहते हो, नहीं तो ये जुमलेबाजों को खदेड़ो। और ये सौदागर ये 1585 की लड़ाई लड़ते हैं। मैं थोड़ा सा इधर आना चाहता हूँ कि जो 1585 की लड़ाई पीडीए की बात करने वाले लोग, चाहे संजय निषाद हो, एक सीट पे समझौता कर लिया, ओम प्रकाश राजभर एक सीट पे समझौता कर लिया, अनुप्रिया पटेल दो सीट पे समझौता कर लिया, जयंत चौधरी दो सीट पे, ये 1585 की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जिसको 15 मिलना चाहिए उसको 95 दे दिए, और जिसको 85 मिलना चाहिए वो 5% पे हिस्सा ले लिए। शेरमानी चाहिए। अगर आप लोग वास्तव में संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हो, तो ये 6 दलाल, ये ओबीसी अल्पसंख्यक पिछड़े दलित समाज के, ये किसान कमेरा की लड़ाई लड़ने वाले मात्र 6 सीट लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट में 6 सीट लेकर के खाली अपने लड़ाई, अपनी दुकान चलाने के लिए। मैं तो कहता हूँ आप लोग मन बना लो, और मन बना करके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आए उत्तर प्रदेश के लोगों, वास्तव में हिस्सेदारी चाहते हो तो ये 6 सीट पर लेने वाले दलालों को ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे गद्दारों को इनकी सीट हड़वा करके इनको अवकाश बताने का काम करो, तब जाकर के हम लोगों का विकास और उत्थान हो सकता है, हम लोगों का बच्चों का भविष्य उजागर हो सकता है। और नहीं तो ये इसी तरह आने वाले समय में ये ठगते और लूटते रहेंगे, और हम लोग इनकी बाजा बजाने में शामिल रहेंगे, और हमारे बच्चे आने वाले समय में इनकी गुलामी करने का काम करेंगे। वास्तव में संविधान और आरक्षण बचाना है तो ये लड़ाई लड़नी होगी। घोसी ग्राउंड पे आप है, और घोसी में बड़ा एक बेबाकी बात रख रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर का भी दावा है कि यहाँ से कोई हमारे साथ और हमारे सामने भी बात किया जाए तो कोई लड़ाई में नहीं है, हमारा सामना कोई कर भी नहीं सकता है, तो फिर कैसे उनका आप दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ से उनको हारना है? सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी बूथ का कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ताओं को छोड़ दो, एक बूथ का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो और अरविंद राजभर का स्टिकर कहीं चपका करके अरविंद राजभर के लिए वोट मांग रहा हो, ऐसा वीडियो ऐसी चर्चा आप दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी है समय कुछ नहीं समय है, आने का इंतजार किया जा सकता है। तुम दावा कर रहे हो कि मैं 1,00,000 से जीत रहा हूँ, और जिससे तुम गठबंधन किए हो उसका एक पदाधिकारी तुम्हारा वोट नहीं मांग रहा है, तुम्हारे लिए चल नहीं रहा है दो कदम, तुम कैसे जीत जाओगे? असली खेल तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर एक मदारी है। मदारी पूर्वांचल के बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बांदा, बहराइच, गोंडा, कुशीनगर से एक कार्यकर्ताओं को बुला करके दिहाड़ी मजदूरी 150-200 रुपया प्रतिदिन दे करके धूप में लू में उनसे स्टिकर चपवा करके और प्रोपेगेंडा बनवा रहा है। नहीं तो अगर असलियत है तो आप गांव में जाकर के देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसके बेटे को मुर्गा बनवा करके थूक करके चटवा करके निहुरा करके और मुड़ी नीचे करो, स्वाभिमान को राजभर का बेच दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश और उसका बेटा आज से राजभर कहना छोड़ दे, बंद कर दे, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये राजभर कहने के लायक नहीं है। राजभर का बहुत बड़ा मान सम्मान स्वाभिमान है। जब इस देश में 365 राजा हुआ करते थे तो 175 राजा राजभर समाज का हुआ करते थे। अगर वो स्वाभिमान से समझौता किए होते और अपनी आन बान की लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज ये भारत में हमारा राज होता। वो जंगल पसंद किए, राजपाट छोड़ दिए, त्याग दिए और अपनी लड़ाई मुगलों और अंग्रेजों से लड़ करके स्थापित किए, अपने देश की अस्मिता को बचाने का काम किए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर केवल एक सीट लोकसभा के लिए घुटने टेक दिया, तलवे चाट लिया, जहां थूका वहीं चाट लिया, और इतना बड़ा ठग और बेईमान आज समाज को गर्त में डालने का काम किया है। इसकी जमानत जब्त करके इसको बनारस खदेड़ने का काम करो। ये बहुरूपिया समाज का हितैषी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए आपने देखा, आज ब्रिजेश राजभर इसी घोसी से एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब चुनौती खड़ी करके अब देखा जाए कि आखिरकार क्या इतना जो है सामने ओम प्रकाश राजभर के लिए ये बात कितना साबित हो सकता है। फिलहाल आगे हम कुछ और बातों से मुकाबले होंगे। इस वक्त इतना ही।